गुड बिजनेस ऑल सीनियर, मेरा नाम कंचन प्रजापति है, मैं जबलपुर से बिलोंग करती हूँ। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है, ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाए जाते हैं, इनकी क्या जिम्मेदारी होती है और ब्रांड एम्बेसडर का क्या काम होता है। तो चलिए बात करते हैं ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाए जाते हैं। ब्रांड एम्बेसडर इसीलिए बनाए जाते हैं कि मान लीजिए जैसे कोई भी इंडस्ट्री या फिर कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को बेचने के लिए मार्केट में जब उतरती है तो उसका बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाता है ताकि लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा समझें, उसे जानें और उसे ख़रीदें। पहले आमतौर पर ये काम मॉडलर्स द्वारा किया जाता था, वो एक निश्चित फीस लेकर अपने प्रोडक्ट का प्रचार करते थे, लेकिन जब मार्केट में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया तब कंपनी या फिर इंडस्ट्री को अपना प्रोडक्ट दूसरों से अच्छा बताने के लिए एक ऐसे चेहरे की तलाश पड़ गई जो लोगों के बीच लोकप्रिय हो, जिनको लोग अपना आदर्श मानते हों, या फिर जो उस व्यक्ति का प्रचार करने का वजन ज़्यादा हो, जो ब्रांड का मुख्य प्रचारक बनाया जा सके, इसीलिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है? ब्रांड एम्बेसडर वो होता है जो किसी इंडस्ट्री या फिर किसी कंपनी के प्रोडक्ट को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करता है ताकि लोग उसे जानें, उसे समझें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदें, इसीलिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। अब एक ब्रांड एम्बेसडर के लिए क्या काम होता है? किसी भी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर वो होता है जो किसी वस्तु को या फिर किसी प्रोडक्ट को, सर्विसेज को लोगों के सामने सही ढंग से पेश करे ताकि प्रोडक्ट की या फिर वस्तु की ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो सके, पर उसको इसके बारे में मतलब प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी पूरा पता होना चाहिए, तब जाके वो लोगों के सामने अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये होता है एक ब्रांड एम्बेसडर का काम। अब ब्रांड एम्बेसडर की जिम्मेदारियाँ क्या क्या होती हैं? तो ब्रांड एम्बेसडर की जिम्मेदारी होती है कि वो केवल पैसों के लिए बिना प्रोडक्ट को जांचे परखे विज्ञापन नहीं कर सकता, क्योंकि उसको जिस इंडस्ट्री का या फिर जिस कंपनी का वो ब्रांड एम्बेसडर है उसके द्वारा उसको एक निश्चित इनकम दी जाती है ब्रांड को रिप्रेजेंट करने की। तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वह प्रोडक्ट को बिना जांचे परखे केवल पैसों के लिए विज्ञापन ना करें। तो ये होता है ब्रांड एम्बेसडर की जिम्मेदारी। तो हमने इस वीडियो में जाना कि ब्रांड एम्बेसडर क्यों होता है, ब्रांड एम्बेसडर क्या काम होता है और ब्रांड एम्बेसडर की जिम्मेदारियाँ क्या होती है। फॉर एग्जांपल, अतुल भारत के ब्रांड एम्बेसडर हमारे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन जी हैं। स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार जी हैं। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो काफ़ी सारे प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो हमने आज इस वीडियो में ब्रांड एम्बेसडर के बारे में जाना। थैंक यू। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।